हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने गुजराती स्टिच की बेसिक डिज़ाइन कैसे बनाते वो बताई थी। इस वीडियो में मैं ये डिज़ाइन कैसे बनाती है वो बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है। ये डिज़ाइन करने के लिए मैंने एंकर की ये वाला धागा यूज़ करूँगी। पहले मैं ये कोने से शुरू करूँगी, ये सुई निकाल लूँगी, फिर मैं यहाँ पे एक नॉक बनाऊँगी। फिर से ये लाइन जहाँ ख़त्म होगी वहाँ जाके मैं एक लॉक बनाऊँगी। जहाँ जहाँ ये लाइन ख़त्म होगी वहाँ जाकर मैं लॉक बनाऊँगी। फिर मैं ये कोने पे एक लॉक बनाऊँगी। ये लाइन जहाँ ख़त्म होगी मैं वहीं जाके एक फिर से नॉक बनाऊंगी। फिर ये कोना आके फिर से मैं एक लॉक बनाऊंगी। अब मुझे फिर मैं यहाँ जाके नॉक बनाऊंगी। यहाँ लॉक बनाने से पहले मुझे दिखना है ये जो धागा है ये जो अगले धागे से ऊपर से गया है या नीचे से जाएगा। तो अगर ये ऊपर से गया इसका मतलब मुझे दूसरा घर नीचे से ले जाना होगा। फिर मैं यहाँ जाके फिर एक लॉक बनाऊंगी। फिर यहाँ जहाँ लाइन ख़त्म होगी वहीं जाके फिर से एक नॉक बनाऊंगी। फिर यहाँ आके एक बनाऊंगी। फिर ये वाला कोने पे एक लॉक बनाऊंगी। अब मुझे दो लाइन मिल चुका है। पहले लाइन की ऊपर से धागा जाएगा और दूसरे लाइन की नीचे से धागा जाएगा। जाके जहाँ लाइन ख़त्म हो रहा है वहाँ जाके एक लॉक बनेगा। फिर पहले के जैसा। फिर दो लाइन मिला, पहले से ऊपर से जाएगा फिर नीचे का तरफ जाएगा, धागे का नीचे का तरफ जाएगा। फिर यहाँ आके फिर से मैं एक नॉक बनाऊंगी। फिर अब जहाँ लाइन जाएगा वहीं साला जाऊंगी। अगर यहाँ से जाता तो यहाँ जाता है, लेकिन ये लाइन यहाँ से जाके ये कोना में ख़त्म होगा इसका मतलब मुझे फिर से वही कोना तक चला जाना होगा। अब ये लाइन यहाँ जाके ख़त्म होगा इसका मतलब मुझे फिर से यहाँ जाना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं गया होता तो मैं यहाँ चला जाती, लेकिन ये लाइन यहाँ में ख़त्म होता है फिर ये यहाँ चला जाएगा, मतलब इस लाइन से मैं चला जाएगा, मुझे यहाँ जाना होगा। फिर ये लाइन यहाँ में जाके ख़त्म होता है, मतलब यहाँ से फिर से एक नॉक बनाना है। फिर यहाँ जाके ख़त्म होता है, मतलब यहाँ में मुझे एक नॉक चाहिए। अब मुझे दो लाइन मिल चुका है, पहला का ऊपर से गया है इसका मतलब ये नीचे से जाएगा। फिर यहाँ जाके ख़त्म हुआ इसका मतलब मैं यहीं पे जाके, फिर ये लाइन यहाँ ख़त्म होता है फिर मैं यहाँ जाऊँगी। फिर ये लाइन यहाँ चला जाता है, बीच में कोई नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है मतलब यहाँ किया है, मतलब मैं यहाँ चला जाऊँगी। इस कोना में जाके एक नॉक बनाऊँगी। फिर देखूँगी ये लाइन कहाँ जाता है, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है फिर यहाँ से जाके इस कोने में फिर से एक नॉक बनाऊँगी। ये लाइन यहाँ पे
खत्म हो रहा है, फिर से मैं यहाँ पे जाके दो लाइन बनाऊंगी। फिर अब दो लाइन मिल चुका है, नीचे से चला जाऊंगी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसके यहाँ खत्म हुआ। दो मिल गया है, इसके ऊपर से आएगा धागा तो इसके नीचे से जाएगा, फिर ये में खत्म हो रहा है, ये नहीं खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो चुका है। अब मुझे तीन लाइन मिल चुका है, एक दो तीन, तो पहले किसी ऊपर से जाएगा बाद का नीचे से, फिर ये इसकी ऊपर से, ये देखिए इसकी ऊपर से गया है, इसकी नीचे से गया, इसकी ऊपर से गया है, फिर जाके जा खत्म हुआ, वहाँ जाके मैं फिर से बना लूँगी एक नॉक। मुझे दो मिल चुका है, एक का ऊपर से जाएगा, दूसरे का नीचे से जाएगा। अब फिर से मुझे तीन लाइन मिल चुका है, पहले से ऊपर से जाएगा, फिर नीचे से जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा, देखिए ये ऊपर से गया है, ये नीचे से गया है, ये ऊपर से गया है, देखिए वो अब ये लाइन कहाँ जाएगा, यहाँ जाके देखिए यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, ये खुला है, यहाँ फिर जाके ख़त्म हो रहा है, ये लाइन यहाँ जाके, तो मैं अब यहाँ चला जाऊँगा, इस बॉक्स में चला जाऊँगा, फिर ये लाइन यहाँ चला जा रहा है, यहाँ चले जाऊंगे, फिर से यह कोना चला जाएगा, दो मिला, कोना चला जाएगा। अब मुझे फिर से दो लाइन मिल चुका है, एक का ऊपर से जाएगा, दूसरे का नीचे से चला जाएगा, फिर से तीन लाइन मिला है, पहले के ऊपर से जाएगा, दूसरे के नीचे से जाएगा, तीसरे के ऊपर से जाएगा, ये अब ये कोने पे जाके एक लॉक बनेगा। अब फिर से मुझे दो लाइन मिल चुका है, पहले के ऊपर से जाएगा, दूसरे के नीचे से जाएगा, फिर से तीन लाइन मिल चुका, पहले से ऊपर से जाएगा, फिर नीचे से जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा। अब ये कोने में जाके फिर से एक लॉक बनाना है। अब फिर से मुझे दो लाइन मिल गया, सीधा ऊपर से, दोनों के ऊपर से नीचे आएगा, पहले के ऊपर से जाएगा तो इसके नीचे से जाएगा, फिर यह चला जाएगा इस कोने में, फिर से अभी तीन लाइन मिल चुका है, पहले से ऊपर की जाएगा, दूसरे का नीचे के, तीसरे की ऊपर से, फिर से एक लॉक बनेगा, जाके फिर से कोने में जाके एक लॉक बनेगा, फिर एक का ऊपर से, दूसरे का नीचे से चला जाएगा,
फिर मैं, अब मुझे दो घर मिल चुका था, फिर एक का नीचे से इसके चला जाएगा, इस बॉक्स में चला जाएगा। अब दो घर मिल चुका है, एक का ऊपर से जाएगा, दूसरे का नीचे से जाएगा। फिर यहाँ कोने में भी चला जाऊंगी, जो लाइन खत्म हुआ यहाँ, फिर यहाँ जो के लाइन खत्म हुआ है, अब मुझे फिर से तीन लाइन मिल चुका है। पहले के ऊपर से जाऊंगी, फिर इसकी उठाऊंगी, इसको फिर गिराऊंगी, फिर जाके यहाँ खत्म कर दूंगी। नोक होगा यहाँ पे, यहाँ पे जाके एक नोक बनेगी। फिर से मुझे तीन लाइन मिल चुका है, इसकी ऊपर से जाएगी धागा, फिर इसकी नीचे से जाएगी, फिर इसकी ऊपर से जाएगी, फिर ये कोना पे आके एक ब्लॉक बन जाएगा। फिर मैं पहले जहाँ से गया था ऊपर में, फिर वही आके आ गया, फिर दूसरे लाइन में आ चुका है। अब ये ऊपर से गया है, इसके नीचे से जाएगा, फिर इसमें एक लॉक बन जाएगी। फिर इस कोने पे जाके फिर से एक लॉक बनेगा, फिर यहाँ जाके फिर से लॉक बनेगा। फिर से मुझे तीन लाइन मिल चुका है, पहले का ऊपर से, दूसरे का नीचे से, तीसरे के ऊपर से जाएगा। फिर जाके जहाँ लाइन ख़त्म होता है वहीं जाके एक कोना होता है, उस कोने पे एक लॉक बनेगा। दो लाइन मिल चुका है, पहली की ऊपर से जाएगा, दूसरे की ऊपर नीचे से जाके इस कोने पे जाके एक लॉक बनेगा। अभी ऊपर से गया है, इसकी नीचे से जाएगा, छोटा सा घर की घर में चला जाएगा। ये जो छोटा घर है यहीं पर जाके ख़त्म हो रहा है हमारा, छोटा सा घर में जाके ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे से होगा फिर। ये ऊपर से जा रहा है, चला जाएगा, देखिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ। जहाँ मैंने शुरुआत की थी वो नॉक लॉक में जाके ये सुई में डाल दूंगी। फिर अब मुझे दो लाइन मिल चुका है, इसमें उठाऊंगी पहले वाला, अब दो लाइन मिल चुका है, ये गिराऊंगी, ये उठाऊंगी। देखिए जो छोटा सा नॉक मिल चुका है वहाँ पे जाके मैं ये सुई को यहाँ अंदर में ले जाऊंगी। अब मुझे तीन लाइन मिल चुका है, पहले का छोड़ दूंगी, फिर दो उठा दूंगी,
अब मुझे दो लाइन मिला है, पहले गिराऊंगी फिर ऊपर से ही उठाऊंगी। मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अभी मैं इसे अगर खींच दूंगी तो ये लॉक हो जाएगा, नहीं निकल नहीं आएगा। नहीं निकलने का मतलब ये ही ये सही है, अगर ये निकल जाता है तो ये डिज़ाइन गलत है और अच्छा नहीं लगेगा। इसका बाद में अब दो लाइन मिल चुका है मुझे, पहले गिराऊंगी बाद का उठाऊंगी। फिर छोटे से नॉक के अंदर में ये सुई ले जाऊंगी। फिर मुझे तीन घर मिल चुका है, तीन लाइन मिल चुका है, अब पहले छोड़ के ये दो उठा दूंगी। अगर उसका बाद ये फिर से मैं नॉक में ले जाऊंगी सुई, अब भी मुझे तीन ही घर मिल रहा है, तीन लाइन मिल चुका है, पहले छोड़ के ये दो उठाऊंगी। अगर दो लाइन मिला तो पहला छोड़ के दूसरा उठाना है, और तीन मिला तो पहला छोड़ के दूसरा दो ही उठा देना है। अब भी फिर से नॉक में ले जाऊंगी, अब मुझे चार घर मिल चुका है, चार लाइन मिल चुका है, एक दो तीन चार। पहला उठा दूंगी, पहला गिराऊंगी, दूसरा उठाऊंगी, तीसरा गिराऊंगी, छोटा वाला उठा दूंगी। ये देखिए कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन निकाल रहा है। अभी मुझे फिर से तीन ठो लाइन मिल चुका है, पहला छोड़ दूंगी दूसरा दो उठाऊंगी। दो लाइन मिल चुका है, पहला गिराऊंगी दूसरा उठाऊंगी। तीन लाइन मिल चुका है, पहला गिराऊंगी दूसरा दो लाइन उठाऊंगी। दो लाइन मिला है, पहला छोड़ के दूसरा वाला उठा लूंगी। फिर तीन लाइन मिल चुका है, पहला गिरा के दूसरा दो उठाऊंगी। यह हमारा दाएं तरफ ही जाएगा, सॉरी बाएं तरफ ही जाएगा। अब जब हम डिजाइन बनाते रहेंगे तो ये सुई हमेशा बाएं तरफ ही जाएगा, दाएं नहीं आएगा। फिर चार लाइन मिल चुका है, पहला गिराऊंगी फिर उठाऊंगी, फिर गिराऊंगी फिर उठाऊंगी। फिर तीन मिल चुका है, पहला गिरा के फिर दो घर मिल चुका है, पहला गिराऊंगी फिर दूसरा उठाऊंगी। फिर दो घर मिल चुका है, पहला गिरा के फिर उठाऊंगी। अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए अब ये सही है, ये खींचने से भी नहीं आएगा, अगर गलत होता तो खींचने से आ जाता। तीन घर मिल चुका है, पहला छोड़ के दूसरा दो उठा दूंगी। फिर तीन मिला है, एक छोड़ के दूसरा दो उठाऊंगी। अभी चार मिला है, एक छोड़ के एक उठाऊंगी, एक छोड़ के एक गिरा के एक उठाऊंगी। फिर तीन मिल चुका है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हम डिजाइन बनाएंगे ये सिर्फ बाईं तरफ ही जाएगा, दाईं तरफ नहीं जाएगा।
तीन लाइन थी, अब एक छोड़ के दूसरा दो ले ली है मैंने। फिर से लॉक के अंदर चला जाएगा सुई, फिर से चार घर चुन चुका, एक छोड़ के दूसरा उठा के तीसरा छोड़ कर चौथा उठाना है। यहाँ पे दो लाइन मिल चुका है, आ जाएगा चला जाएगा। फिर से तीन लाइन मिल चुका है, एक छोड़ के दूसरा तो उठाऊंगी। देखिए लॉक के अंदर चला जाएगा सुई, तीन लाइन मिलने से एक छोड़ के दूसरा तो उठा रहेंगे, फिर लॉक के अंदर चला जाएगा ये सुई। अब मुझे चार मिल चुका है, पहला छोड़ दूंगी, फिर दूसरा उठाऊंगी, तीसरा छोड़ के चौथा उठाऊंगी। फिर यहाँ पे तीन है, एक छोड़ दूंगी, दूसरा तो उठाऊंगी। अगर दो मिला तो पहला छोड़ के दूसरा दो उठाऊंगी, दूसरा वाला उठाऊंगी। अगर तीन मिल चुका है तो एक छोड़ के दूसरा दो उठाऊंगी। तीन है, एक छोड़ के दूसरा दो उठाऊंगी। चार मिल चुका है 20 का, एक छोड़ के दूसरा ये तीसरा छोड़ के छठा उठा दोगे। तीन था, उसने पहला छोड़ दिया, दूसरा तो उठा। अब ये घर चला जाऊंगी, यहाँ नहीं आएगा ये घर, ऐसे चला जाता है जहाँ ये धागा जाएगा वहीं ले जाऊंगी, यहाँ नहीं होगा। ये देखिए तीन का है, छोड़ के दूसरा दो ले लिया, फिर ये धागा यहाँ नहीं आता है, यहाँ चला जाएगा बाएं तरफ, हमेशा ये धागा बाएं तरफ ही जाएगा। तीन मिल चुका है, ये देखिए फिर से बाई तरफ ही जाएगा, हमेशा ये बाई तरफ जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। दो घर है, पहला छोड़ के दूसरा ले लूंगी, फिर अब ये घर मिलेगा। धागा ज़्यादा लूज भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, कुछ भी रखना है। लॉक के अंदर चला जाएगा सुई, पहला छोड़ दूंगी, दूसरा उठाऊंगी, तीसरा छोड़ के छोटा वाला फिर से उठा दूंगी।
ध्यान रखिएगा, अगर दो लाइन मिला तो पहला छोड़ के दूसरा उठाना है, तीन लाइन मिला तो पहला छोड़ के दूसरा दोनों उठाना है, अगर चार थू लाइन मिला तो पहला गिराना है, दूसरा उठाना है, तीसरा फिर से गिराना है, छोटा फिर से पहला गिराना है, दूसरा उठाना है, तीन तीन का घर गिराना है और चार का घर फिर से उठाना है। चार लाइन मिल चुका है तो अगर उसे उठाना है, तीन लाइन मिलने से एक गिराना है, दो उठाना है। पहला गिराना है, दूसरा उठाना है, तीसरा गिराना है, छोटा फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए आप आगे की तरफ जाएगा, यहाँ से हो चुका है, इस तरफ चला जाएगा। अभी नीचे का घर बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बनी है क्योंकि ये पूरा डिजाइन बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है। तीन का घर लिया था हमने, से एक छोड़ के दो उठाना था, फिर लॉक के अंदर चला जाना है, फिर चार घर मिलने से पहले छोड़ के दूसरा उठा के तीसरा छोड़ के छोटा उठाना है। फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, अगर तीन का घर होने से एक का छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरा दो उठा लीजिएगा, अगर चार का घर मिला तो पहला छोड़ के दूसरा उठाए, तीसरा छोड़ के चौथा उठाइएगा। ये बहुत खूबसूरत डिजाइन बनती है, थोड़ा बड़ा है डिजाइन तो, इसलिए थोड़ा लंबा हुआ है वीडियो, ये देखिए। और ये डिजाइन का एक ख़ास बात है, ये जो डिजाइन शुरू जहाँ से होती है, ये ख़त्म भी वहीं जाके होती है। ये देखिए यहाँ जाके फिर से यहीं जाके ख़त्म हो जाएगा। यहीं जाके ख़त्म हो चुका,
ये डिजाइन बन चुका है, ये डिजाइन बन चुका है। पूरा डिजाइन बन चुका है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर कुछ सवाल पूछनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। Thank you.